सुबह सुबह में गांव घरों में रिवाज है कि दुल्हा दुल्हन जो है मॉर्निंग पे जाते हैं नौले। ये है गहत, तो इसको फिर बनाएंगे इसका सब्जी गौतो साग। इतनी बड़ी डेग में बनेगा हमारे गांव वालों के लिए रायता। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग में कर रही हूँ मॉर्निंग के 8:30 बजे से, मतलब कि पीहू रानी को स्कूल भेजने के बाद। तो दोस्तों अभी वो स्कूल चले गई है, तो अब जाके मैं करती हूँ अपने काम। उसके बाद हमें जाना है ऊपर शादी वाले घर पे, आज है पार्टी। तो वहाँ पे ना सुबह सुबह में महिलाओं के काम होते हैं, और क्या काम होते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। तो अभी मैं थोड़ा ऊपर आ गई हूँ और ऐसे भाग भाग के आई, क्योंकि दूल्हा दुल्हन जो है नौले में जा रहे थे, तो मैं भागे भागे आ गई हूँ यहाँ पे दूल्हा दुल्हन को देखने के लिए। यहाँ पे चाची का पानी नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा होगा आपका पानी? चाची लड़ाई करने वाली है, पानी नहीं आ रहा है, बल एक तोपो नादन बल पानी को। तो देखिए सुबह सुबह में गांव घरों में रिवाज है कि दुल्हा दुल्हन जो है मॉर्निंग पे जाते हैं नौले मुंह धुलाने को। तो यहाँ पे शंख और घंटी बजाते हुए सभी लोग जा रहे हैं, और ये है हमारी दुल्हन और दूल्हा आज के रगड़ के पूरा मेला निकलना चाहिए। पहाड़ों में गांव घरों में अलग अलग रिवाज देखने को मिलते हैं। उनमें से एक रिवाज ये भी है कि शादी के दूसरे दिन जो है दूल्हा दुल्हन के साथ कुछ लोग जाते हैं नौले, और वहां पे जाके दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे का मुंह हाथ धोते हैं। तो काफी इम्पोर्टेंट ये रस्म मानी जाती है, तो वही रस्म अभी यहाँ पे हो रही है। तो जी मैं पहुंच गई हूँ शादी वाले घर में, और यहाँ पे ऊपर जहाँ पे खाना बन रहा है वहाँ पे बोल रहे हैं कि वहीं पीस रहे हैं, पीसने वाला काम वहीं हो रहा है। तो चलते हैं ऊपर सीधा, पीसना दिया हुआ अभी तक तो। तो देखो यहाँ पे चल रहा है हमारा लेडीजों वाला काम, मतलब ये पीसना पासना सब हमारा ही होता है लेडीजों का। देखो ये है गहत, तो इसको फिर बनाएंगे इसका सब्जी गौतो साग, पहाड़ियों का फेमस। ये देखिए ऐसे सिलबट्टे में पीसा जाता है दोस्तों, पीसी वाली सब्जी भी बनती है हमारे यहाँ गांव घरों में। यहाँ पे चल रहा है सलाद उलाद कट हो रहा है। तो देखिए भैया जी भी पहुँच गए, और बूबू लोग चाचा लोग सभी लोग सुबह सुबह यहाँ पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे बन रहे इतने बड़े बड़े डेगों में भात दाल सब्जी। तो टीका लगा लेते हैं दोस्तों, और यहाँ पे हमारे पंडित जी मिल गए हैं टीका लगाने वाले। रेखा चाची हमारी असली चाची कब आए? पहले आ गई थी, सबसे पहले आ गए थे। मेरे जानू चाची यहाँ पे चाय पीते हुए, देखो कैसी हो रही है चाय, कड़कदार, बहुत अच्छी। गांव घरों में दोस्तों ऐसा ही होता है कि सुबह आके सभी लोग अपने अपने काम पे लग जाते हैं, मतलब कि लेडीज अलग जेंट्स अलग। और अभी जब सुबह से तैयारी होती है ना, तब जाके दिन का हम लंच यहाँ पे करते हैं, भात दाल खाते हैं। तो आज हमें खाने में मिलेगा भात दाल रायता चटनी सलाद सब्जी। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद हम लोग आएंगे, 11-12 बजे के टाइम पे शायद हो ही जाएगा। तो अभी फटाफट यहाँ पीसने के बाद चलते हैं घर को, घर के काम निपटाते हैं, फिर करते हैं दोस्तों आपसे मुलाकात। बहुत बहुत बधाई है सुमन को देवरानी की। धन्यवाद। तो चाचा क्या बना रहे हो? ये रायता बना, अभी रायता बना रहा हूं, साल बना दिया। अच्छा आज आपकी ड्यूटी लगी है? मेरी मसाला वसाला लाया, तेल लाया, उसके बाद ये बना रहा हूं। अच्छा इतनी बड़ी डेग में बनेगा हमारे गांव वालों के लिए रायता। और क्या होगा खान में आज? दाल भात है, सब्जी है, गोहन का सब्जी है, पापड़ है, रायता है, चटनी है। देखिए यहाँ पे तैयारी चल ही रही है, कटनी रायता सलाद वलाद सब कट हो गया है, सब बन गया है, बस भात और दाल बनने की देर है। तो फटाफट इतने में अपना घर का काम निपटाते हैं, फिर आते हैं खाना खाने को। तो हमारी पिंकी चाची अपने घर से ही लेके गई थी सीला पीसने के लिए, गजब ही हो आप भी, क्यों लेके गए थे घर से? अरे वहाँ मिलते नहीं है सिले, फिर बोलते हैं दूसरों के घर से लेके आओ, कहाँ उतना भारी अपने सिर में डोले, इससे बड़ा अपने घर से लेके आए, जितना भी पीसो फटाफट अपने साल लेके आओ।
एक बज गया दोस्तों और हम लोग जाने लगे हैं खाना लेने को, तो अभी घर पे लेके आते हैं, फिर खा पी के तैयार होके आएंगे पार्टी को, फिर पार्टी जमाएंगे, फिर पार्टी यहाँ करेंगे डांस वांस। और आज जो है बादल भी आ गए हैं, मतलब कि ठंडा होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर होता है जेंट्स पार्टी, जो कि एक लौर पहले बैठ के उठ चुका है, अभी ये दूसरा लौर है। तो यहाँ पे पंडित जी के हाथ का खाने को ये लोग बैठे हैं और हम लोग लेंगे यहाँ से खाना। ओका कस हो रही है, बड़ी हो रही है, बड़े हो रही है। तो दे है ना, मैं अभी खू लो तेरा खा बाल्दू क्यों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ हो चुकी है खाने वालों की, और हमारे यहाँ पे ना ऐसा ही होता है कि जनसंख्या ज्यादा है तो ज्यादा लोग भी होते हैं, खाना अलग मांगना अलग। तो फिलहाल मैंने भी ले लिया है खाना, अब चलते हैं घर को। रिंकी चाची अभी से पगली गई है यहाँ पे, बिगर खाया पिया है। हाँ हेलो, कुणाल क्या मुझे प्रभू बोला यार, आप पागल हो गई है, सटिया गई हूँ मैं, सटिया गई। चलो फिर। तो जी अभी मैं चली अपने मिस्त्रियों को चाय देने। तो देखिए केतली में चाय बना के फटाफट चाय देते हैं, उसके बाद खाना खाती हूँ। मैंने खाया नहीं क्योंकि मैं बच्चों को खिला रही थी, फिर जाके तैयार होके चलते हैं पार्टी में। अभी 3 बजे दोस्तों हम लोग जाने लगे हैं पार्टी में, और घर के काम ही इतने हो गए थे कि मैं लेट हो गई हूँ। कब का दीदी लोग चले गए हैं, तो फिलहाल मैं जा रही हूँ अभी। क्या पता वहाँ डांस शुरू हो गया होगा, दूल्हा दुल्हन का हो गया होगा या नहीं भी हुआ होगा। तो चलिए अगर नहीं हुआ होगा तो दिखाऊंगी आपको, बन रहे दोस्तों ब्लॉग के साथ। अभी हम लोग आ गए हैं अपने घर पे, और आप लोग मेरे पीछे का मौसम देख सकते हैं, काफी काला मौसम हो रखा है, साथ ही बारिश भी हो रही है। पहले तक का तो बूंदाबांदी थी लेकिन अभी थोड़ा तेज बारिश हो गई है। तो चलिए आज का ब्लॉग हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई सुबह नए ब्लॉग के साथ। अब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, बाय बाय।